कुछ बोलने लायक भाई लोग छोड़े ही नहीं भाई इस कैटेगरी का। जान जाए लेकिन कपलिंग पे बैठ के जर्नी करना ना जाए भाई साहब क्या ही। फास्टेस्ट ट्रेन भी यही है अपनी सहरसा राज्य रानी, क्योंकि और भी जो ट्रेन भाई ये देखिए अभी भाई चढ़ने के लिए कितनी ज्यादा भी प्यार में। अपनी राज्य रानी जितना पटना से भीड़ नहीं लेके आए थे उतना तो भाई बेगूसराय में इसका मार्केट बन गया। तो कैसे आप लोग मिलते हैं, आप लोग काफी अच्छे होंगे, आपका स्वागत हमारे कौन है ब्लॉग में, आपका स्वागत करते हैं बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो बता दे तो आज की जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 12568 यानी कि 1268 पटना सहरसा राज्य रानी एक्सप्रेस जो कि पटना से चल के सहरसा के बीच में चलती है, बाकी इस टाइम पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन बाहर है। और सामने में देख सकते हैं अपना ये महावीर मंदिर है, तो एक बार भाई जय श्री राम बोल के अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं, बाकी ये पटना जंक्शन है। भाई साहब धूप काफी ज्यादा है, गर्मियां आ चुकी है मार्च यानी कि अप्रैल का महीना आ चुका है, जबरदस्त वाली गर्मी पड़ रही है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। बाकी दोस्तों 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी लगी हुई है पटना सहरसा राज्य रानी एक्सप्रेस और अभी इसमें लोको कपल होगा। तो दोस्तों इस सहरसा राज्य रानी में आपको चेयर कार का भी सीट मिल जाएगा यानी कि एसी चेयर कार का, इसमें 3 कोच लगाए गए हैं C1 C2 C3 और बाकी यही है इसका एसी चेयर कार का कोच नॉर्मल। ये ऊपर देखने लगेज वाला है और उधर भी लगेज है, बाकी एक ये रीडिंग लाइट है जो कि भाई वर्किंग में है, बाकी इधर आपको बड़ा सा विंडो मिल जाता है, इधर चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है आपको और बाकी ऐसी कुछ रहती है इसकी सीट। दोस्तों जो ये अपनी पटना सहरसा राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन है ये काफी मतलब कि पटना से सहरसा जाने के लिए काफी डिमांडिंग ट्रेन है और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भी यही है अपनी सहरसा राज्य रानी, क्योंकि और भी जो ट्रेन है ना काफी ज्यादा टाइम लेती हैं और अपनी राज्य रानी एक्सप्रेस लगभग 4 घंटे 20 मिनट में ही आपको पटना से सहरसा पहुंचा देती है। बाकी दोस्तों हमारे सामने में लोगों आ चुका है बरौनी सेट का WAP7 जो कि अपनी राज्य रानी में कपल होगा। तो फाइनली हमारा WAP7 कपल हो चुका है अपनी राज्य रानी एक्सप्रेस में और अब हमारी राज्य रानी एक्सप्रेस तैयार है पूरी तरीके से पटना जंक्शन से निकलने के लिए। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है बिल्कुल ऑन टाइम दोपहर के 12:30 बजे पटना जंक्शन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। पटना से 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने फर्स्ट हॉल्ट यानी कि बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BKP और बाकी बता दें तो हमारी ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन यहाँ पे आई 1/2 घंटे लेट। बाकी अगर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 130 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है, यहाँ से 3 ट्रेनें टर्मिनेट और 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है। ये आता ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन है, बाकी यहाँ से पर डे 3500 पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं अपने बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन। बाकी दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन से और आपको बता दें जंक्शन पॉइंट क्यों है, तो बता दें तो DDU पर हावड़ा मेन लाइन पे अपना ये प्लेटफॉर्म स्थित है यानी कि हम लोग पटना की तरफ से आ रहे हैं और सीधे हम लोग मोकामा की तरफ निकलेंगे, बाकी एक लाइन यहाँ से तिलैया होते हुए राजगीर की तरफ जाती है, इसलिए अपना बख्तियारपुर जंक्शन पॉइंट है। और देखिए फाइनली 1/2 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन बख्तियारपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। ये है सहरसा राज्य रानी का सेकंड सीटिंग क्लास यानी कि जो जनरल वाला चेयर कार वाला क्लास रहता है ना, जिसमें आपको देखा ना ऊपर में लगेज स्पेस मिल जाएगा, बाकी 3/2 का सीटिंग अरेंजमेंट रहता है इस ट्रेन में। साइड पे एंट्री तो नहीं है
दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग को मोर रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पे लिया गया और पीछे से ओवरटेक करने वाली है पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को। चलिए आपको दिखाते हैं हाई स्पीड सा ओवरटेक अपनी ट्रेन को पड़ने वाला है। तो दोस्तों देखिए वंदे भारत ओवरटेक कर रही है। अपना ब्रिज राजेंद्र पुल आ गया। तो दोस्तों अभी जो राजेंद्र पुल अपना जो चल रहा है ना, कि आपको देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा और आप सोचेंगे कि वीडियो बना रहे हैं, लेकिन भाई ये गलती आप कभी मत करिएगा, वीडियो भाई कभी मत बनाइए, क्योंकि भाई बिहार में ट्रेन है और भाई साहब फोन आपका 2 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा। इस ब्रिज से बहुत ही भाई टेंशन लीजिए अपना बिहार में, भाई अंदर से ही बनाइएगा, नहीं तो भाई आंखों से देख लीजिएगा, वीडियो मत बनाइए नहीं तो आपका फोन तुरंत चोरी हो जाएगा। देखिए जी यही है वो अपना वो राजेंद्र पुल, भाई साहब यहाँ एकदम अलर्ट रहने की जरूरत है, मैं भी भाई अंदर से ही बना रहा हूँ। वाओ और पानी का लेवल देखिए जी काफी अच्छा खासा अपना पानी का लेवल है और सामने नया पुल बन रहा है। न्यू बरौनी जंक्शन दोस्तों पटना से 109 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले अपनी ट्रेन पहुंची अपने थर्ड हॉल्ट न्यू बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NBJU। और जो अपना न्यू बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन है ना, ये बरौनी का ही बाईपास रेलवे स्टेशन है, यानी कि बरौनी जंक्शन का, जिस ट्रेन को बरौनी जंक्शन नहीं जाना जाता ना वो ट्रेन यहीं पे आती है न्यू बरौनी जंक्शन पे। बाकी बता दें तो अपनी ट्रेन यहाँ पे भाई आधे घंटे लेट आई, क्योंकि आधे घंटे लेट शुरू में ही हो चुकी थी, बीच में वंदे भारत का ओवरटेक पड़ गया था, उसके बाद ट्रेन अपनी मेंटेन नहीं कर पाई है। और बता दें न्यू बरौनी के यहाँ पे बस 32 ट्रेनों का ही पर डे हॉल्ट, और यहाँ से ना कोई ट्रेन टर्मिनेट और ना ही ओरिजिनेट होती है। और बाकी जी बस ये 2 प्लेटफॉर्म का ही अपना रेलवे स्टेशन है न्यू बरौनी जंक्शन, और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई है, 1 नंबर भी गुड्स ट्रेन है जी। 3:07 में हमारी ट्रेन निकल चुकी है न्यू बरौनी जंक्शन से। बाकी भाई 2 मिनट का हॉल था, अपनी ट्रेन 2 मिनट ही यहीं रुकी है। और देखो भाई जल्दी ट्रेन में चढ़ गया बंदा। चेयर कार का ना वॉशरूम दिखा देते हैं कैसा है। तो भाई साहब सबसे पहले यहाँ तो वो है ही नहीं सीट किनिक जो यहाँ से बंद होता है, अंदर का हाल देख लेते हैं। भाई साहब कुछ बोलने लायक भाई लोग छोड़े ही नहीं भाई इस कैटेगरी का वॉशरूम है अपना। भाई साहब एकदम बेकार है यार, मतलब क्या ही बोला भाई, इतना बेकार सा स्मेल आ रहा है ना भाई वॉशरूम से बेकार है यार। मिरर देख लो भाई, मिरर भी एकदम बेकार सा है, ये देखो लाइट भी सही नहीं, उसके ऊपर शीशे टूटे हुए हैं भाई, अभी छाले फाले पड़े हुए हैं, मतलब भाई बेकार है यार। राज्य रानी भाई नाम है लेकिन उस हिसाब से वॉशरूम भाई मेंटेन नहीं किया गया। पानी का देख रहे हैं, पता नहीं भाई ये कब से ऐसे ही चल रहा है, मतलब कुछ भाई ठीक ही नहीं, स्मेल तो भाई अलग लेवल का आ रहा है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन, और भाई साहब इतना भीड़ है प्लेटफॉर्म में ना, भाई लोग उतरने नहीं दे रहे यार, भाई पूरा प्लेटफॉर्म पैक था, हमने भाई अराइवल के टाइम देखा ही होगा। और भाई ये देखिए अभी भाई चढ़ने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ है भाई, पूरा गेट पैक हो चुका है भाई साहब, ना जाने भाई इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, आई थिंक बेगूसराय रेलवे स्टेशन। वैसे बात करें भाई बेगूसराय की तो अपना बेगूसराय जो है ना भाई इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल कैपिटल है अपने बिहार स्टेट का। बाकी भाई बेगूसराय 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, BGS इसका स्टेशन कोड है, और 96 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है, यहाँ से ना कोई ट्रेन टर्मिनेट और ना ही ओरिजिनेट होती है। भाई चलते हैं अंदर, क्योंकि भाई भीड़ देख रहे ना, इस भीड़ में भाई बाहर फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बोर्ड भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे,
भैया फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है बेगूसराय से, और भाई अपनी राज्य रानी जितना पटना से भीड़ नहीं लेके आए थे उतना तो भाई बेगूसराय में इसका मार्केट बन गया। और बाकी भाई पूरा कोच जो है ना वो पूरा पैक हो चुका है, आगे वाला कोच भाई वहां तक जा नहीं सकते हैं, इधर का गेट पूरा पैक है, इधर उधर सारी चीजें पैक है भाई। अब आई थिंक मानसी वंसी तक खाली हो जाए, क्योंकि जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना उनका भाई पेपर ओपर था, तो शाम के टाइम में छुट्टी हुआ होगा तो वो सारे घर जा रहे हैं। अभी दोस्तों जनरल क्लास में ये एक मशीन लगाया गया था कुछ दिन पहले, वाटर प्यूरिफायर, जिसमें आपको पानी मिलता था, यानी कि जनरल क्लास के लोग पानी पी सकते थे। लेकिन भाई आज तक ये यूज में कभी आया ही नहीं, मतलब हमेशा बंद ही रहता है तो कभी कुछ रहता है। यहाँ भाई साहब सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ का पाइप ही गायब है। तो भाई साहब कुछ कहने का मतलब ये है ना कि हमने तो भाई नहीं देखा कि यूज में आया कि नहीं आया, अगर आपने देखा तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जान जाए लेकिन कपलिंग पे बैठ के जर्नी करना ना जाए, भाई साहब क्या ही सब जाए। देखिए ट्रेन अभी इधर से उधर हो रही है और ये लोग भाई डांसिंग कर रहे हैं बैठ के इसपे, लेकिन हट नहीं सकते, ये समस्या है। बाकी भाई इतनी भीड़ पता नहीं कैसे बेगूसराय में हो गई, पहुंच चुके हैं खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड 1KGG। और बाकी भाई जितनी भीड़ थी नॉर्मल ना, लगभग कुछ पैसेंजर भाई खगड़िया में डीबोर्ड कर रहे हैं अपनी ट्रेन को। बाकी बता दे तो यहाँ पे भाई ट्रिपल लाइन का काम चल रहा है, यानी कि ट्रिपल इलेक्ट्रिक लाइन होने वाला है अपना खगड़िया जंक्शन। अगर रेलवे के हिसाब से बात करना तो खगड़िया रेलवे स्टेशन 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 128 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है, और यहाँ से 3 ट्रेनें टर्मिनेट और 3 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं। प्लेटफॉर्म भी देख लीजिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बता दे तो खगड़िया को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन, आता है ये अंडर सोनपुर डिवीजन। बाकी जी देखिए WAP-7 के साथ कोई सी ट्रेन अराइव कर रही है। तो जी ये अपनी नई दिल्ली कटिहार यानी कि 15705 चंपारण हम सफर एक्सप्रेस आ चुकी है खगड़िया जंक्शन में। अरे भैया चैन पुलिंग वाला पकड़ा गया, RPF ने पकड़ ली भाई उसे। फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है 2 नंबर प्लेटफॉर्म से खगड़िया जंक्शन, और यहाँ पे भाई हम सफर को हम लोग ओटी मार दिए खड़े खड़े। और बाकी जी कोच का माहौल जो थोड़ा सा सही हुआ है खगड़िया में, बेगूसराय से जो भीड़ चढ़ी थी आई थिंक मानसी वंशी में लगभग खाली हो जाएगा। बाकी बेसिन का हाल देख लीजिए, सस्ता स्विमिंग पूल बन चुका है इस समय, बस उठ के पता नहीं क्या क्या भाई लोग खा के इसी में सूख देते हैं। वॉशरूम का हाल तो आपको बताएं भाई, पानी होने भी नहीं आ रहा है और भाई हालत एकदम बेकार है वॉशरूम का, इसको बंद ही रहने देते हैं, बंद भी नहीं हो रहा है भाई, ये चीज इसका लॉक ही उखड़ गया है। दोस्तों मानसी में जो हमारी ट्रेन है ना वो पूरी की पूरी खाली हो चुकी है, मतलब पटना से जितनी भीड़ थी वो सारी उतर चुकी है, और वहाँ बेगूसराय में 500 भीड़ चढ़ी थी वो भी सारी उतर चुकी है, मानसी तक ही भीड़ थी। अब भाई यहाँ सीट भी मिल चुकी है तो भाई सीट पे बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बाकी इसके बाद अपना सिमरी बख्तियारपुर हॉल्ट आएगा, उसके बाद अपना फाइनल हॉल्ट सहरसा आने वाला है। बाकी यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था, ट्रेन लेकिन निकल चुकी है, बाकी आधे घंटे ट्रेन लेट आई है, अभी तक भाई मेंटेन नहीं कर पाई ट्रेन। बाकी आम दिनों में भाई सिमरी बख्तियारपुर का गर्मियों का टेम्परेचर बता दे भाई 43 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और ठंडियों का बता दे तो 15 डिग्री सेल्सियस। बाकी ट्रेन निकल चुकी है सिमरी बख्तियारपुर से। बाकी दोस्तों देखिए इधर से एक लोकल ट्रेन का भी सिग्नल हो चुका है सिमरी बख्तियारपुर।
दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सहरसा अपने समय से 45 मिनट की देरी से। बाकी बता दें जर्नी एक्सपीरियंस मान भाई जर्नी तो सही थी लेकिन भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है इस ट्रेन में। बाकी वॉशरूम का कंडीशन थोड़ा मेंटेन रहता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता भाई साहब। यात्रियों की भी इसमें गलती है भाई साहब, वो लोग यूज़ करके प्लस नहीं दबाते हैं, इस वजह से भाई वॉशरूम थोड़ा गंदा था। नहीं तो बाकी ओवरऑल भाई बेस्ट ट्रेन है ये अपनी पटना से चल के सहरसा जाने के लिए अपनी राज्य रानी एक्सप्रेस। तो दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं इसी तरह के नए धमाकेदार ब्लॉग में। और कौन सी आपको ट्रेन जर्नी देखने में ये चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपकी जो फेवरेट ट्रेन होगी उस ट्रेन में ट्राई करें कि नेक्स्ट जर्नी करें। बाकी सहरसा भाई हम फर्स्ट टाइम आए हैं इस ट्रेन से, तो चलते हैं भाई बाहर देखते हैं कैसा सहरसा अपना शहर है। बाकी फिर मिलेंगे किसी नए धमाकेदार ब्लॉग में। अगर चैनल मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम सहरसा रेलवे स्टेशन।